आज हम सीखने वाले हैं क्लोथ सिस्टम से वैक्यू ट्रेनर के माध्यम से ब्लड कलेक्शन कैसे करेंगे पेशेंट का। तो यहाँ पर जो आवश्यक सामग्री है वो आपको दिख रहा होगा, टर्निक्यूट बेल्ट है और वैक्यू ट्रेनर का एडेप्टर है, वैक्यू ट्रेनर निडल है और इस तरीके से ये ओपन सिस्टम के लिए जो निडल है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके साथ साथ ट्यूब्स हैं जिसमें आपको कलेक्शन करना है ब्लड का, ठीक है। उसके साथ साथ कॉटन स्वैब भी है और ग्लव्स भी हम पहनेंगे प्रिकॉशंस के तौर पर। और इस तरीके से ये एडेप्टर है वैक्यू ट्रेनर का, ये निडल है आपका वैक्यू ट्रेनर का, ठीक है। तो ये दो तरीके के आते हैं, एक ब्लैक और एक ग्रीन होता है। ब्लैक मतलब 23 गेज का, ग्रीन जो होता है 21 गेज का होता है। तो इस तरीके से पेशेंट को रिलैक्स होकर हमें बैठाना है, उसके बाद हमें देखना है वैन कहाँ पर क्लियर दिख रहा है। क्लियर जब वैन दिख गया उसके बाद हमें टर्निक्यूट अप्लाई करना है। इस तरीके से हमें टर्निक्यूट टाइट कर देना है और उसके बाद ये हमारे पास कॉटन स्वैब है, हमने ग्लव्स पहन लिए हैं। कॉटन स्वैब आपको रिमूव कर लेना है। उसके बाद जहाँ से हमें ब्लड कलेक्ट करना है वैन से, उस सरफेस एरिया को पूरा अच्छे तरीके से क्लीन करना है। क्लीन कैसे करना है, अंदर से बाहर की तरफ इस तरीके से सर्कल में आपको क्लीन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जब ये क्लीन हो जाए और उसके बाद आप ये निडल देख रहे हैं, ठीक है। तो ये निडल का कैप अंदर वाला जो है आपको रिमूव करना है, जिसको आपको एडेप्टर में इंसर्ट करना है। तो इस तरीके से ये एडेप्टर है आपका, आगे के हिस्से में एडेप्टर में डाल दीजिए। इसके बाद इसको घुमा करके टाइट कर दीजिए। तो इस तरीके से ये टाइट हो जाता है और निडल का कैप अब आपको आगे वाला कैप हटाना है। दो तरीके से कैप लगते हैं। अब ये आगे का कैप आपको रिमूव कर देना है। इस तरीके से आप निडल निकल गया। अब आपको निडल इंसर्ट करने किस तरीके से करते हैं वो आपको देखना है। वैन आपको दिख रहा है, एक थंब से आपको पीछे की तरफ खींचना है और इंसर्ट कर देना है। तो इस तरीके से इंसर्ट हो गया और अच्छे से सही हम ले पाते हैं 3 ml 5 ml। इसमें बाकी आप जितने ट्यूब में चाहें, अभी देखिए हम अलग अलग ट्यूब में सैंपल ले रहे हैं, प्लेन वायल में हम ले रहे हैं। तो इस तरीके से आपको सैंपल ले लेने हैं। सैंपल लेने के बाद आप टर्निक्यूट हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। उसके बाद ये आप कॉटन लगा करके निडल को बाहर कर दीजिए और हैंड को फोल्ड करने के लिए बोलिए।